अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट नंबर 2 है, जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 9.1 का पार्ट नंबर 1 बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको पैराबोला के तमाम केसेस के बारे में डिस्कस करके बताया था कि केस नंबर 1 कैसे बनता है, केस नंबर 2 कैसे बनता है, केस नंबर 3 किस तरह का होता है और केस नंबर 4 किस तरह का होता है। ठीक है, तमाम डिटेल बताया था और साथ साथ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करवाया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप जाके लिख सकते हो एक्सरसाइज, पहले क्लास 12, ठीक है, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो लॉजिक टुगेदर। क्या पढ़ो? लॉजिक टुगेदर। तो क्या हो जाएगा, आपके पास मेरी वीडियो आ जाएगी, साथ साथ में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब 9 चैप्टर चल रहा है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस और आपके बोर्ड के पेपर से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे वो तमाम चीजें क्या हो सके, आपको मिल सके और आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, अपने बोर्ड की तैयारी कर सको। तो मेरे क्वेश्चन में 3 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में 3 बहुत आसान से सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालना है। तो याद रखना, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, उसकी इक्वेशन क्या होती है। याद रखना, पैराबोला की इक्वेशन y² = 4ax अगर केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 क्या होता है, x² = 4by के, जबकि केस नंबर 3 बराबर होता है y - k² = 4ax - h के। जबकि मेरे पास केस नंबर 4 जो होता है वो क्या होता है, x - h² बराबर होता है 4by y - k के। ठीक है, तो ये कुछ इक्वेशन है जिसको हमें फाइंड आउट करना होगा हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हुए। ठीक है, क्योंकि आपके पास इक्वेशन नॉर्मल तरीके से फाइंड आउट करने नहीं बोला जाएगा ना, बल्कि किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। तो मेरे पास सबसे पहले मैंने क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। तो मैंने आपके सामने सोल्यूशन लिख दिया, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो मेरे पास सवाल में गिवन है वो क्या गिवन है उसको लिख देना है। ठीक है, तो मेरे पास जो सवाल में गिवन है वो है मेरे पास लाइक फोकस गिवन है, जो कि मेरे पास लिखा हुआ है 1, -2, जबकि मेरे पास एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है जो कि 3x - 5 = 0। ठीक है, ये दो चीजें मेरे पास गिवन है। याद रखना, अगर मेरे पास फोकस में कहीं पर भी यहाँ पे 0 या फिर यहाँ पे कहीं पर 0 होता तो मैं क्या कर सकता, मैं आराम से केस को देख लेता। कैसे, अगर मेरे पास y एक्सिस पर 0 होता तो मेरे पास केस नंबर 1 होता, अगर मेरे पास फोकस में x एक्सिस पर 0 होता तो मेरे पास होता केस नंबर 3। लेकिन केस नंबर 3 और केस नंबर 4 जो होता है उसमें दोनों में कोई ना कोई ट्रम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस में कोई ना कोई ट्रम है, तो मतलब केस नंबर 1, केस नंबर 2 तो नहीं हो सकता, केस नंबर 3 या फिर केस नंबर 4 हो सकता है। ठीक है, अब मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे अब डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन दी हुई वो देखना पड़ेगा। तो केस नंबर 3 के अंदर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स बराबर होता है h - a, जबकि केस नंबर 4 के अंदर क्या होता है बेटा, वाई बराबर होता है k - b। मतलब यहाँ पे वाई का वर्ड यूज हो रहा है और यहाँ पे x का वर्ड यूज हो रहा है, तो मेरे पास कौन सा वर्ड है यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे x का वर्ड है, तो यानी ये मेरे पास कौन सा होगा, आपके पास केस नंबर 3 होगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ ये मेरे पास क्या है, केस नंबर 3 है। ठीक है, तो केस नंबर 3 का पैराबोला का जो मेरे पास इक्वेशन होता है, पैराबोला इस तरह से बनता है ना। ठीक है, तो ये मेरे पास केस नंबर 3 का जो पैराबोला की इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी। मेरे पास जो इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, वो क्या है, y - k² बराबर होता है 4a और मेरे पास क्या हो जाएगा, x - h। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पे सेम टू सेम लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दिया, 1, जिसको मुझे फाइंड आउट करना है। मतलब मुझे इसमें से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मुझे इसमें से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मुझे h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आसान तरीके से हो जाएगा। और मैं आपको कहता हूँ, इस सवाल के बाद आप बहुत ज्यादा क्या हो जाओगे, कॉन्फिडेंस हो जाओगे और आराम से क्या कर लोगे, किसी भी इक्वेशन या फिर किसी चीज भी गिवन होगा आप आराम से फाइंड आउट कर लोगे। तो मेरे पास बेटा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है गिवन में, मेरे पास जो चीजें गिवन है वो लिखा हुआ है फोकस। फोकस की वैल्यू क्या है, 1, -2। तो मुझे मालूम है कि केस नंबर 3 का फोकस किसके बराबर होता है, केस नंबर 3 का फोकस बराबर होता है मेरे पास h + a, k। ठीक है, ये ना h + a, k, जबकि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्या गिवन है, 1, -2। ठीक है, तो इसको कंपेयरिंग कर लेते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो h + a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,
जबकि मेरे पास k की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टू। ठीक है, तो k की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है। बेटा h की वैल्यू निकालना है तो a को इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो 1 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास h की वैल्यू ये आई है जिसमें से मुझे a को फाइंड आउट करना है। अब जरा याद रखना, मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है केस नंबर 3 का, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो मेरे पास क्या होगा, मैं वो लिख करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको मेरे पास केस नंबर 3 का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है बेटा x बराबर होता है h माइनस a, तो x बराबर है h माइनस a के। ठीक है, मुझे h की वैल्यू अभी हमने कुछ निकालने की कोशिश किया था 1 माइनस a, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा 1 माइनस a, लेकिन x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। बेटा x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा, माइनस का 5 वहां चले जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और ये जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, तो मैं x की जगह क्या लिख सकता हूँ 5/3। ठीक है, साथ साथ h की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस a, तो क्या लिख दूंगा 1 माइनस a, और यहाँ पे भी a आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास 5/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 2a, इसको जाके मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 5 बराबर है 3 माइनस 6a, यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। इसको उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर हो जाएगा माइनस का 6a, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2 बराबर हो जाएगा माइनस का 6a, जाके डिवाइड कर दो तो a बराबर हो जाएगा किसके 2/-6 के। ठीक है, यहाँ के नीचे डिवाइड हो गया। ठीक है, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो a की वैल्यू क्या आ गई -1/3। ठीक है, तो जब a की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट हो गई तो मेरे पास h की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गया। कैसे, ये देखो मेरे पास क्या है, h बराबर है किसके 1 और माइनस का, और मेरे पास a है तो a की वैल्यू क्या आई है -1/3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/3, 3 को जाके एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा 3+1/3, तो मेरे पास जो h की वैल्यू आ रही है क्या आ जाएगी 3+1/4 हो जाता है। ठीक है, तो h की जो वैल्यू है वो मेरे पास जो निकल करके आ रही है वो क्या आ रही है 4/3। ठीक है, तो मैंने तीन वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया, कौन कौन सा k, h और a, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा जगह बाकी है, तो मैं यहाँ पे क्यों ना सॉल्व कर लूँ। ठीक है, अपना जगह क्यों ना मैं अवेल कर लूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि k मेरे पास किसके बराबर है, k बराबर है -2, h बराबर है मेरे पास 4/3 के, जबकि मेरे पास a की वैल्यू क्या है -1/3 के। मुझे इन तीन की जरूरत है इस इक्वेशन को बनाने के लिए, तमाम वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिख देता हूँ इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा y, तो y तो मेरे पास वैसे ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, माइनस का निशान k, k की वैल्यू क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा होल स्क्वायर, कितना आसान तरीके से हो गया ना, इक्वल टू का निशान फिर लिखा हुआ 4, a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू अभी हमने लिख रहा था -1/3, तो क्या आ जाएगा -1/3, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ x माइनस h के साथ, यहाँ क्या लिखूंगा x लिखूंगा माइनस h, h की वैल्यू क्या है बेटा 4/3। ठीक है, तो इस तरह से इसको मैंने क्या कर दिया आपके सामने लिख करके दिखा दिया, अब कोई काम नहीं रहा, जस्ट और जस्ट सिंप्लीफाई रह गया। लेकिन आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपके लिए एक छोटा सा काम है, आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा क्वेश्चन चाहिए और किस क्वेश्चन का जवाब आपसे नहीं हो रहा सॉल्व, तो मैं क्या करूंगा आपको तमाम चीजें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये भी बताता हूँ कि अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आपने उसमें जाके मुझे मैसेज करना और कहना है कि सर प्राइवेट ग्रुप में ऐड करने, आपको प्राइवेट ग्रुप में गैस पेपर, टारगेट पेपर, प्रीलियम पेपर, तमाम तरीके के जो पेपर्स होते हैं जो आपके बोर्ड के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आप क्या हो जाएंगे, आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटा इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a+b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2 to the 4 y, ए बी होता है ना, तो a से y, b से 2, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 to the क्या हो जाएगा 4, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि आप सेकंड ईयर में आ गए हो, और 2 to the क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 4/3 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4/3। ठीक है, यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने क्या किया, इस वाले एरिया को रब कर दिया क्योंकि मैंने देखा कि मेरे माइक में आवाज ही नहीं जा रही थी और मेरा पूरा क्या हो गया, वीडियो खराब हो गई। तो एक काम करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा आई थिंक सो y का स्क्वायर, ठीक है, और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 4y, और प्लस का 4 इक्वल टू, अगर मैं माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा 4 3 12 होता है, तो मेरे पास -12x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 4 का क्या हो जाएगा 16, और नीचे 3 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब क्या करो, इसको इससे आके मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 9y का स्क्वायर, अगर मैं 9 को क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो
मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे माइनस फोर को थ्री से मल्टीप्लाई किया और फोर फोर जो 16 कर दिया और नीचे नाइन। अभी नाइन नाइन वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास क्या हो जाएगा नाइन वाई, और नाइन को जब फोर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 36 वाई आ जाएगा। उसके बाद फिर मुझे नाइन को फोर से मल्टीप्लाई करना होगा, क्या हो जाएगा 36 और इक्वल टू माइनस 12x और प्लस का क्या हो जाएगा 16। इसको भी उठा के इक्वल टू के बाद ले जाओ क्योंकि बहुत आसान और सिंपल सी बात है ना, और कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो y का स्क्वायर प्लस 36y और प्लस का 36 यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा और ये प्लस का क्या हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको मैं इस तरह से लिखूं 9y का स्क्वायर 36 का y, इस वाई टर्म को साथ लिख दूं 12x, तो 36 में से अगर मैं 16 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 36 में अगर 16 को माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास 20 आएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 20। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। और देखो हमने कितने आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। चलो आ जाए अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया जिसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपने पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वूज फोकस, जिसके फोकस की वैल्यू है 3.4। मैंने बताया था अगर 0 कहीं पर भी होता तो हम पहचान जाते हैं केस नंबर 1 है या फिर केस नंबर 2 है, लेकिन ये केस नंबर 1 भी नहीं है, केस नंबर 2 भी नहीं है। एंड डायरेक्टिव, उसकी वैल्यू क्या लिखा है, एक्स वाई माइनस वन। अगर डायरेक्टिव में मेरे पास एक्स होता सिर्फ तो मैं बोलता था ये केस नंबर मेरे पास क्या 3 है, और डायरेक्टिव में सिर्फ वाई होता तो मैं कह सकता था इसको केस नंबर कौन सा है 4 है, लेकिन इन दोनों में से ये भी नहीं है। तो अब इसको किस तरह से फाइंड आउट करें और इसके इक्वेशन को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, तो याद रखना मैं ऐसे एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और क्योंकि ये केस नंबर 3 है, केस नंबर 4 से हो सकता है, तो मैं इस तरीके से एक और पैराबोला को बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका जो ये फोकस होगा जिसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है, ठीक है, ये जो फोकस है उसकी वैल्यू क्या गिवन है मेरे पास 3.4, ठीक है। मैंने 3.4 बोल दिया, जहां से ये कर्व कर रहा है उसको मैंने पॉइंट पी बोल दिया, जो कि मेरे पास क्या है एक्स कॉमा वाई मैंने लेट कर लिया, ठीक है। और ये जो मेरे पास लाइन है वो मेरे पास क्या है एल है, ठीक है। तो याद रखना मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से लेकर के आई थिंक तो ये जो मेरे पास लाइन है ये है, ठीक है। तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है क्या होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होता है सेम होता है, ठीक है, जिसको मैंने क्या बोल दिया एल बोल दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है सेम होता है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हम सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने सोल्यूशन क्या दिया, सोल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो मेरे पास चीज़ें गिवन है, तो मैं गिवन में जो मेरे पास चीज़ है उसको लिख लेता हूँ। मेरे पास जो गिवन में है वो क्या है, लाइक मेरे पास फोकस की वैल्यू गिवन है जो कि क्या है 3.4, ठीक है। तो 3.4 लिख दिया, जबकि मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है एक एक्स प्लस वाई माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो वैल्यूज गिवन थी, इन दोनों वैल्यूज को मैंने आपके सामने लिख करके दिखा लिया, एक लैड कर लिया कि एक पॉइंट पी है जिसकी वैल्यू क्या है एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी मैंने क्या कर लिया लैड कर लिया। अब हमें मालूम है एक चीज जो मैंने बताया आपको कि फोकस से लेकर पॉइंट तक और पॉइंट से लेकर आपके पास लाइन की लाइन तक क्या होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं सेम होता है, ठीक है, उनकी सेम डिस्टेंस होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो सेम होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस के। तो कहने का मकसद क्या है कि मेरे पास F से लेकर P तक के, बल्कि P से लेकर के F तक का डिस्टेंस क्या, P से लेकर के F तक का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा किसके, P से लेकर के L तक के डिस्टेंस के, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या एज वी नो दैट, इस तरह से लिखो तो ज्यादा बेहतर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एज वी नो दैट, हमें मालूम है क्या के P से लेकर के F तक का डिस्टेंस बराबर होता है किसके, P से लेकर के L तक के डिस्टेंस से, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, मैं एक बार सवाल मैच कर लेता हूँ बुक में कि मेरा जो सवाल है वो बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है, अदरवाइज क्या हो जाएगा थोड़ा सा इशू आ जाएगा अगर मैंने कुछ एक सवाल में गलती कर दी हो तो, ठीक है। तो ये मेरे पास जो सवाल है आई थिंक सो ये सवाल बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, सवाल बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। एक भी याद रखना, ये वाली लाइन नहीं होगी, ये वाली लाइन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं इक्वल होता है। तो याद रखना पॉइंट डिस्टेंस, मैंने तो ये रफली बनाया है तभी मैं आपको सही से बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जस्ट आपको रफली मैंने बता दी है कि फोकस का लेकर पॉइंट तक और पॉइंट का लेकर एल तक का डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा। तो याद रखना ये दोनों जब डिस्टेंस निकालोगे तो ये डिस्टेंस पॉइंट फार्मूला के तहत निकलेगा और ये पॉइंट और लेंथ फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा सॉल्व होगा। मतलब कहने का मकसद है कि इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका जो फार्मूला होगा क्या होगा, x2
एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करोगे तो टू लाइन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आता है जिसके मदद से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा पी और एफ के पॉइंट की वैल्यू क्या है ये देख लो। तो यहाँ पे याद रखना, पी की वैल्यू क्या होगी बेटा, एक्स वन की वैल्यू क्या होगी एक्स, वाई वन की वैल्यू क्या होगी वाई, जबकि मेरे पास एफ की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स टू की वैल्यू क्या होगी थ्री, जबकि वाई टू की वैल्यू क्या होगी फोर, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अगर इसको सॉल्व करना है तो इस लाइन को देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, जो कोफिशियंट होता है वो होता है, तो कोफिशियंट वन हो जाएगा ए, y का कोफिशियंट क्या हो जाएगा b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1, जबकि c का कोफिशियंट क्या है माइनस का c, तो क्या लिख दूंगा c बराबर है माइनस का 1, ठीक है। बाकी सारी टर्म हमने वैसे ही लिख देना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें पुट करके देख लेते हैं, x2 की वैल्यू क्या है 3 है मेरे पास, तो मैं क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा, उसके बाद माइनस का निशान, x1 की वैल्यू क्या है x है, तो x लिख दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। प्लस का निशान, y2 की वैल्यू क्या है बेटा, y2 की वैल्यू मेरे पास 4 है और माइनस का y हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे बचेगा x प्लस ये y माइनस 1, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो मेरे पास जगह यहाँ पे है नहीं, तो मैं यहाँ पर इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर इसको फॉर्मूला में खोल दूँ और इसको फॉर्मूला में खोल दूँ तो खोला जा सकता है a माइनस b और a माइनस b, तो बेटा a का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, अगर फॉर्मूला में इसको ओपन करूंगा, और 2 3 का क्या होता है 6, तो क्या आ जाएगा माइनस का 6, और उसके साथ कौन सा वेरिएबल लगेगा x लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला में खोल रहा हूँ a प्लस बी के, और फिर x का क्या हो जाएगा आखिरी में प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का निशान है, मैंने प्लस लगा दिया, इसको भी फॉर्मूला में खोल लो, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 माइनस का निशान, अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8y प्लस, और y का आखिरी में क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिख दूंगा y का स्क्वायर लिख दूंगा। ये तमाम वैल्यूज किसके अंदर है, रूट के अंदर है, तो मैंने इसको रूट के अंदर ही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जरा इसको सॉल्व कर लो, तो मेरे पास मॉडुलस का निशान हट गया, x प्लस y माइनस का 1, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मतलब अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिख दूंगा अंडर रूट 2 लिख दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रूट लगा हुआ है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो बेटा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी 9 माइनस 6x प्लस x का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस का y स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर लग गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस y माइनस का 1 का होल स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने इसको लिख करके दिखा दिया, अब हमें क्या करना होगा, इसको रूट से रूट की वैल्यू को कैंसिल आउट करना होगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसको स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा कैंसिल आउट, बेटा 9 में अगर मैं 16 प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 आ जाएगा, माइनस का 6x है, एक काम करता हूँ x के स्क्वायर को और y के स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर पहले लिखा गया, उसके बाद मैं माइनस का 6x लिखता हूँ, फिर माइनस का 8y लिखता हूँ, ठीक है। और फिर मेरे पास क्या है 16 प्लस 9 मेरे पास होता है आई थिंक सो 25, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 25 पॉजिटिव में, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये x प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर वैसे ही लिख दूंगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। बेटा जरा इस वाले सवाल को देखो, इसमें भी फॉर्मूला लग रहा है, और नीचे वाला 2 ना इससे जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई होकर 2x का स्क्वायर हो जाएगा, तो मुझे यार हिस्सा क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, तो मैं इस वाले हिस्से को क्या कर देता हूँ आपके सामने ही रफ कर दे रहा हूँ, ताकि मुझे जो ज्यादा काम करना है ना उस काम को क्या कर सकूँ, मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ, ठीक है। तो चलो आ जाओ, वहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये जो बराबर होता है वो बराबर होता है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, मतलब बचपन से मुराद 9 मैट्रिक में पढ़ा होगा, तो ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर इम्प्लीमेंट होगा। तो बेटा यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस माइनस का क्या लिखा हुआ है 6x, और मेरे पास माइनस का 8y प्लस का 25 मैंने वैसे ही लिख दिया, इक्वल टू का निशान डाला, इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा क्या हो जाएगा
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक काम करता हूँ, ये टू से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ नीचे वाली टर्म को, तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो डिवाइड टर्म आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद लिखा बेटा प्लस का निशान सी का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने वन का स्क्वायर लिख दिया। प्लस टू लिखा हुआ है ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई हो गया। उसके बाद क्या है मेरे पास टू बी सी, तो मैं लिखूंगा टू लिखूंगा, बी की वैल्यू क्या है बेटा, बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे जो उसके अकॉर्डिंग क्या है वाई है, तो वाई हो जाएगा। और सी की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास माइनस का वन है, तो क्या लिख दूंगा माइनस का वन लिख दूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ प्लस का निशान, फिर टू ए सी, तो ए की वैल्यू क्या है बेटा एक्स है और सी की वैल्यू क्या है माइनस का वन। तो मैंने इसी तरह से लिख दिया जिस तरह से फॉर्मूला में लिख सकते थे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा टू एक्स का स्क्वायर प्लस टू वाई का स्क्वायर, टू सिक्स जै ट्वेल्व, तो ट्वेल्व एक्स हो जाएगा, टू एट जै सिक्सटीन माइनस का सिक्सटीन वाई, और टू ट्वेंटी फाइव जै फिफ्टी, तो ये हो गया फिफ्टी हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है और मैं एक मुसलसल आपके लिए मुंह से बोले जा रहा हूँ ताकि क्या हो सके ये सवाल अच्छे से अच्छे तरीके से सॉल्व हो सके, ठीक है। तो मैंने क्या करा सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या हो रहा है अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। वन का स्क्वायर क्या होता है प्लस का वन होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा टू एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का टू वाई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का टू एक्स हो जाएगा, तो यहीं पर लिख देता हूँ माइनस का क्या हो गया टू एक्स हो गया, ठीक है। अब इन तमाम वैल्यूज को इक्वल टू के बाद ले आओ, यहाँ पे टू एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो क्या लिख सकता हूँ टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का टू वाई का स्क्वायर है, यहाँ पे अगर माइनस हो जाएगा तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का ट्वेल्व एक्स, तो ट्वेल्व एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस का सिक्सटीन वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस का टू वाई, तो इसको इधर लेकर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का टू वाई हो जाएगा। फिर मेरे पास क्या बच रहा है प्लस का टू एक्स वाई बच रहा है, तो प्लस का टू एक्स वाई लिख दूंगा, ठीक है। और मेरे पास आई थिंक सो और कोई दूसरी वैल्यू यहाँ पे नहीं बच रही। फिर उसके बाद मेरे पास प्लस का फिफ्टी है और यहाँ पे प्लस का वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का वन इक्वल टू जीरो। तो जरा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर वो हो गया, ये इसमें क्या बचेगा बेटा माइनस का टेन एक्स, ये क्या बचेगा माइनस का फोर्टीन वाई, ठीक है, और प्लस का टू एक्स वाई और प्लस का फोर्टी नाइन इक्वल टू जीरो। तो इतना लंबा चौड़ा काम करने के बाद मेरे पास ये आंसर बन करके आया है। अब मैं देख लेता हूँ ये आंसर मेरे बुक के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, तो मेरे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने इस सवाल को भी क्या कर लिया आपके लिए सॉल्व करके दिखा दिया। चलें आज इसका नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव आ गया और इसको सॉल्व करने हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके तमाम सवाल आपको सॉल्व करें, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल के अंदर आपकी सब्सक्राइब की काफी ज्यादा जरूरत है। मैंने कंप्यूटर के लेक्चर्स भी आपके लिए सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दिया और बहुत जल्दी केमिस्ट्री और बायो के लेक्चर्स भी आपके लिए इस चैनल में क्या होगा अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन को क्लिक करो। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास सबसे पहले पार्ट में लिखा हुआ है आपने पैरा बोला कि इक्वेशन मालूम करनी है इसके अंदर भी, जबकि फोकस एंड वर्टेक्स की वैल्यू गिवन है। मेरा वर्टेक्स जब 0.0 होता है और मेरे पास फोकस में कोई एक टर्म कम होती है तो दैट्स मीन मेरे पास वो केस नंबर वन या केस नंबर टू होता है। तो वर्टेक्स क्या है 0.0 जबकि मेरा फोकस क्या है 1.0। देखो यहाँ पे फाइव वैल्यू दी हुई है और उसके बाद जीरो, तो मतलब केस नंबर क्या होगा वन होगा। ये एमसीक्यूज में आता है उसके अलावा कहीं नहीं आता। तो पार्ट नंबर वन को सॉल्व करते हैं। वर्टेक्स की वैल्यू क्या है बेटा, वी की जो वैल्यू है वो 0.0 जबकि फोकस की वैल्यू 0.5.0। हमें मालूम है कि फोकस जो होता है वो बराबर किसके होता है 5.0 है, तो मतलब वो बराबर होता है मेरे पास 1.0 के, ठीक है 1.0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5.0, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो बेटा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब याद रखना क्योंकि इक्वेशन मालूम करना और इक्वेशन के लिए क्या होता है वाई का स्क्वायर 4ax, मुझे सिर्फ और सिर्फ ए की ही वैल्यू मालूम करनी थी जो कि मैंने निकाल दिया। तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर होता है 4ax, तो वाई का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा 4a की वैल्यू 5 और ये x हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 4 5 20x। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। अगर इसको उठा के इधर भी लेकर आना है तो आप आराम से क्या कर सकते हो कर सकते हो, ठीक है। चलो आज इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर टू का सॉल्यूशन करते हैं। अब तो तुम लोग को समझ में आ गया हो किस तरह से इसको सॉल्व करना है। देखो वर्टेक्स 0.0 है और 0.-2 है, तो दैट्स मीन ये केस नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग
अगर मेरे पास वर्टेक्स क्या हो, 0,0 हो और फोकस मेरे पास क्या होता है 0,b, तो वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0,-2, तो 0,-2, तो मेरे पास b की जो वैल्यू हो क्या आ गई, -2 आ गई। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मेरे पास क्या होता है, x का स्क्वायर बराबर होता है किसके, x का स्क्वायर बराबर होता है 4by के, तो x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 और b की वैल्यू क्या है -2 और y, तो मेरे पास x का स्क्वायर बराबर हो गया 4×2=8y, -8y, तो ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इसको इक्वल टू के पहले भी लेकर आ जाओगे तो भी मेरे पास इसका आंसर ही होगा, ठीक है। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। अब जो अहम चीज है वो पार्ट नंबर 3 और 4 में, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास क्या है, और मैं एक दफा माइक भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार क्या होता है माइक मेरा बंद होता है और मैं पूरे अपने कितने कितने मिनट की वीडियोज बना लेता हूँ और मसला क्या आता है कि वो बंद ही होता है, ठीक है। अब वर्टेक्स की जो वैल्यू है जरा गौर से देखो, 1,-3 है, जबकि फोकस की जो वैल्यू है 1,2, ना तो यहाँ पे किसी चीज का जीरो लिखा हुआ है और यहाँ पे भी नहीं है, तो याद रखना। तो अब मुझे पता नहीं चल रहा है केस नंबर 1 है या फिर केस नंबर 2 है, तो हम दोनों केस को लिखते हैं, केस नंबर 3 को लिखते हैं। केस नंबर 3 में पास क्या होता है बेटा, अगर वर्टेक्स होगा तो h,k होगा, और केस नंबर 4 के अंदर भी वर्टेक्स क्या होता है h,k ही होता है, ठीक है, तो h,k ठीक है सेम ही होता है, लेकिन फोकस में कुछ चेंजेस होती है। फोकस में क्या चेंज होती है केस नंबर 3 के अंदर, h+a,k, जबकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे h होता है और k+b होता है, ठीक है, देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों चीज, ताकि आपके सामने आंखों के सामने लिखा हुआ, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, अगर मेरे पास केस नंबर 3 होगा, अगर केस नंबर 3 होगा, जो चीज वर्टेक्स की k की वैल्यू होगी वही कर्टेक्स की क्या होगी, फोकस की भी k की वैल्यू होगी, लेकिन h की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसमें प्लस a हो जाएगा। और यहाँ देखो जो आपके पास h की वैल्यू होगी वो यहीं पर h की वैल्यू होगी केस नंबर 4 के लिए, जबकि k की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब जरा इसको देखो, मेरे पास यही टर्म लिखा हुआ है, वर्टेक्स की वैल्यू क्या है 1,-3, जबकि फोकस की वैल्यू क्या है 1,2, तो देखो इसमें सेम क्या है, फर्स्ट टर्म सेम है, तो फर्स्ट टर्म सेम कौन सा होगा, केस नंबर 4, केस नंबर क्या होगा 4 सेम होगा, तो मतलब मेरे पास अब जो लगेगा वो केस नंबर क्या होगा 4 होगा। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बता देता हूँ ये केस नंबर 4 है, तो मेरे पास वर्टेक्स की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, h,k बराबर हो जाएगा किसके, वर्टेक्स की वैल्यू 1,-3 के, ठीक है। तो केस नंबर 4 मैंने बता दिया है कि मेरे पास कौन सा है, केस नंबर 4 है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, क्योंकि इसमें क्या होता है ये दोनों सेम होता है, ठीक है। तो याद रखना, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और बेटा मेरे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, ये दोनों वैल्यू निकालना होता है, तो इन दोनों वैल्यूज को क्या कर दिया मैंने, लिख करके दिखा दिया। अब याद रखना मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है a की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है इक्वेशन का आपको पता होगा, इक्वेशन सॉरी b की वैल्यू, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन निकालने के लिए x-h2 बराबर होता है 4b, और यहाँ पे क्या होता है y-k, ठीक है, ये होता है ना आपके पास इक्वेशन, इसके अंदर मुझे h की वैल्यू मालूम है, मुझे k की वैल्यू मालूम है, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी नहीं मालूम, मुझे मालूम b की वैल्यू नहीं है, और b की वैल्यू निकालने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ कि y बराबर है k-b, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो कि b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर एक और काम कर सकते हो, अगर b की वैल्यू निकालना है तो मेरे पास फोकस की मदद से भी क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो फोकस क्या होता है बेटा, फोकस की वैल्यू होती है मेरे पास यहाँ पे गिवन है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, h बराबर होता है k+b के, ठीक है, तो क्या है 1,2 है, ठीक है, यही है ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो बेटा h की वैल्यू तो मुझे मालूम ही है 1 है, तो मैं k को डायरेक्ट निकाल लेता हूँ कि k+b किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है, जबकि मुझे k की वैल्यू मालूम है क्या है, -3 और प्लस का क्या हो जाएगा b और क्या हो जाएगा 2, तो इसको उधर ले जाओ तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2+3, तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5 आ गई, ठीक है। तो h, k और b सब निकल गया, सबकी वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर और इसका आंसर ले आओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x तो x रहेगा, h की वैल्यू क्या है बेटा 1 और 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, y 4 5, फिर के बाद में लिख दूंगा, फिर y लिख देता हूँ माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बस सॉल्व करना और कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में ओपन कर दो, x का स्क्वायर -2x और प्लस का 1, ठीक है, फॉर्मूला में ओपन करोगे a-b के होल स्क्वायर में तो यही आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 5 20, और 20 को अगर y से मल्टीप्लाई करोगे 20y, और 20 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20 को अगर मैं क्या कर रहा हूँ
मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, तो 3 टू 6 तो 60 आ जाएगा, सॉरी तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, एक्स का स्क्वायर यहीं पर रहने दो, माइनस का 2x यहीं पर रहने दो, इसको उठा के इधर ले आओ तो माइनस का 20y हो जाएगा, इसको भी उधर लेके आ जाओ तो माइनस का 60 और प्लस का 1, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो क्या आ गई बेटा फाइनल, x का स्क्वायर 2x माइनस का 20y और माइनस का 59 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इस सवाल का क्या हो गया, जवाब हो गया। और हमने देखो कितने आसान तरीके से इसको फाइंड आउट कर लिया। मैं एक बार ना बुक में भी देख लेता हूँ कि मेरे पास इसका जवाब यही आ रहा है कि कुछ अलग जवाब तो नहीं आ रहा। कभी कभार क्या होता है बुक में ना हमारे पास कुछ एक कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती है और हमारे पास पूरा सवाल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब आया और यही मेरा क्या है आंसर है। तो चलो आ जाओ मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रब करता हूँ, अब आखिरी वाले पार्ट को भी आपका सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस पूरे हिस्से को क्या कर दिया, आपके सामने ही इसको रब किया है, और रब करने के बाद अब मेरे पास ये वाला पार्ट है। तो देखो ये 4-4 सेम है, ठीक है, मतलब आखिरी वाला सेम है। तो आखिरी वाला सेम कब होता है, केस नंबर 3 के लिए। तो मेरे पास पार्ट 4 मेरे पास केस नंबर 3 है। तो केस नंबर 3 के लिए मैं फोकस की वैल्यू लिखता हूँ, क्या होता है मेरे पास एच प्लस ए कॉमा के, जबकि इसमें फोकस की वैल्यू क्या दी हुई है 3,4, जबकि वर्टेक्स क्या होता है बेटा 2,4, ठीक है, जो कि बराबर होता है किसके एच कॉमा के के, ठीक है। तो चलो आ जाओ, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, जबकि के की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज तो मैंने आपको बता दिया निकाल करके। अब यहाँ पे देख लो मेरे पास क्या हो जाएगा, के की वैल्यू तो पता है 4 है, इसकी वैल्यू को इससे कंपेयर कर लो, तो एच प्लस ए बराबर हो जाएगा 3 के। एच की वैल्यू क्या है बेटा 2 प्लस ए इक्वल टू 3, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3-2, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1 पॉजिटिव में, ठीक है। फॉर्मूला जो होता है इक्वेशन की वहां पे लिखी हुई है कि y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके 4a x माइनस h, ठीक है। तो y को तो हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब मैं रफली कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके क्वेश्चन सॉल्व हो सके ना। माइनस के की वैल्यू क्या है बेटा 4 का होल स्क्वायर, 4a की यहाँ पे a, हाँ तो a की वैल्यू क्या है 1 है, तो मैं क्या लिख दूंगा 1, तो 4 ही आना है। x माइनस और h की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूला में ओपन, y का स्क्वायर फिर उसके बाद माइनस का निशान होगा, 4 2 8, तो 8y हो जाएगा और प्लस का 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 16 होता है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का निशान 4x क्या होता है 4x होता है, और 4 2 क्या होता है मेरे पास माइनस का 8 होता है, ठीक है। उठा के इक्वल टू के बाद ले आओ तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वाई का स्क्वायर माइनस 4x फिर माइनस का 8y प्लस का 16, ठीक है, और माइनस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब सिंपली क्या करना होगा, 8 में से 16 को माइनस कर देना होगा, तो क्या हो जाएगा 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। तो y का स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 8y, अगर 16 में से मैं क्या कर रहा हूँ माइनस कर देता हूँ 8 को, तो 8 है ना 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 15 16, तो मेरे पास 8 8 16, सॉरी मेरे जहन से निकल गया था मैं अचानक से क्या कर रहा हूँ, सॉरी। तो मेरे पास क्या जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो थोड़ी सी बेवकूफ़ी वाले काम कर रहा मैंने, इसको गिन रहा था, वो कभी कभार क्या होता है जहन में कुछ और होता है और कल कुछ और रहा होता हूँ। तो खैर, तो ये मेरा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। तो आज के एक्सरसाइज के अंदर हमने सॉल्व करा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना। फिर आपको मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।